अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो शुरू करते हैं अपने आज का व्लॉग। तो आज जुमा है, मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को जुमा मुबारक। इतना तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रही है, मिलते हैं डायरेक्ट मस्जिद में। लेट्स गो। पहुँच गए हैं मस्जिद के बाहर। ये निज़ाम देखें, कोई निज़ाम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। नमाज वगैरह पढ़ के, वजू वगैरह करके बाद में आपके साथ मिलते हैं। ये चीज़ हम भी बचपन में खेलते थे। अगर जिस दोस्त को ये याद है कि ये क्या है और ये क्या खेल रहे थे, कमेंट में लाजमी बताना मुझे। तो मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो नमाज पढ़ के एंड नाउ वी आर गोइंग टू बैक अवर होम। तो देखते हैं आगे क्या क्या सीन बनते हैं। आज हमारे दोस्त सब, हमारे गफार भाई, सनाउल्लाह, उनके दोस्त सब साथ थे। बाकी का माहौल देखें, पानी देखें, ये साफ पानी नहीं है, ड्रेनेज का पानी है। बस अल्लाह ही बेहतर करे हमारे मुल्क का, बस दुआ कर। बाबर साहब भी हमको मिला है मस्जिद पर। तो अभी मैं खाना वगैरह खा के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह पढ़ के अभी आया हूँ, वापस बैठा हूँ अपने उताक पे। तो एक न्यूज़, दो न्यूज़ मैंने अभी सुनी कि एक बाल रबी अव्वल के हिसाब से एक अपना मीलाद सजाया गया था बलूचिस्तान में, तो वहाँ में एक ब्लास्ट हुआ है। तो उसमें मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा कि 52 आई थिंक सो, मेरे इल्म में ये है कि 52 पीपल आई थिंक वो शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल में मैंने अभी वो न्यूज़ सुनी है कि 52 लोग अपने शहीद हुए हैं। और दूसरी न्यूज़ के अभी अपना पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का वार्म अप मैच चल रहा है, तो आई थिंक 16 ओवर में 70 के करीब 2 आउट है पाकिस्तान के। वहाँ पे हैदराबाद में मैच है, तो आगे भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे मैचों का भी और अपने मुल्क के हालातों का भी। इंशाल्लाह आई होप सो एवरीथिंग विल बी बेटर डे बाय। आप सब दोस्त दुआ करें और अपने मैच का भी दुआ करें कि इंशाल्लाह जीतें, अल्लाह बेहतर करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ व्यूअर्स, तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मैच अपने घर में देख रहे थे, सॉरी आई मीन टू से उताक में देख रहे थे। वार्म अप मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड। तो माशाल्लाह हमारे रिजवान भाई ने पहले ही वार्म अप में 100 स्कोर किया, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ऐसे ही दुआ करें कि कंटिन्यू रहे ये अपना जो है फॉर्म। तो बाबर भाई ने भी आई थिंक 80+ किए, 85 या 80 ऐसे ही किए। बस दुआ करें ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें फॉर्म, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी ये डिक्लेयर हो गए हैं वार्म अप में, हर किसी को चांस देना होता है आई थिंक, इसलिए ये रिजवान भाई डिक्लेयर हो गए हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो मैच ही चल रहा था, तो अभी यहाँ पे स्कोर मेरे ख्याल में हुआ है 345 हुआ है, तो 346 टारगेट है। रिजवान भाई माशाल्लाह पहले वार्म अप मैच में बेहतरीन खेले, बाबर भाई बेहतरीन खेले, और हमारे अपने सऊद भाई, सऊद शकील, उन्होंने भी आई थिंक 50 से ऊपर बनाए। तो दे आल आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह ऑन द फर्स्ट वार्म अप मैच। इंशाल्लाह दे विल गो बेटर लाइक व्हाट वी से बेटर फॉर्म, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो रोज़ की तरह आज भी हम आए हैं पीर शाख वाली होटल पर चाय पीने। तो हमें हमारे दोस्तों ने ज्वाइन किया है, अब्दुल गफार जमाली ने और सनाउल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया है। तो चाय वगैरह का ऑर्डर देते हैं, टेबल भी अभी तक नहीं आया। टेबल भी शहबाज को बोलते हैं, शहबाज भाई हमारे यहाँ पे काम करता है, उनको बोलते हैं टेबल भी हमें उठा के दे। तो और चाय वगैरह का ऑर्डर दे के फिर आपके साथ मिलते हैं। मौसम भी माशाल्लाह आजकल हसीन हुआ है, लोगों की तरह, दोस्तों की तरह जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बस एक माह के बीच में आ जाएंगे सर्दी, फिर जैकेट वगैरह पहनेंगे, फिर थोड़ा डिफरेंट लुक होगा ना, तो फिर थोड़ा मज़ा आएगा। तो हमारे पास भी माशाल्लाह 3-4 जैकेट्स हैं, एक दो मैं दुबई से लेके आया, तो वो भी पहनेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ व्यूअर्स, तो हमारी चाय आ गई है, बिस्मिल्लाह करें गाइस। तो पहला सिप लेते हैं, वैसे है तो गर्म ताज़ा बना हुआ है। आज कौन सी चाय है? इलायची की चाय आज है, इलायची वाली चाय। तो उसको सिंधी में फोटे वाली चाय आ, सोला सिंधी में फोटे वाली चाय हुई और इलायची वाली आ है गर्म पर ताज़िया पर छा के हूँ, है तो गर्म पर। पहला सिप लेके आपको सताएंगे, हम पियेंगे आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, इसको ख़त्म नहीं करेंगे आज केक वगैरह खाएंगे ना। केक का सीन है ना, केक का सीन है, हमारी चाय रखी हुई है।
अब लतीफा ये है सामने लतीफ गाइस, केक पे खड़ा हो यार, केक लेके आओ, बिस्किट कुछ अपने हिसाब से। गाइस केक वगैरह खा के मिलते हैं आपके साथ थोड़े देर में, इतने देर में नहीं, थोड़े देर में। हाँ व्यूअर्स, तो अभी हम आए हैं अपने उताक पर, खाना वगैरह खा के अभी बैठे हुए हैं उताक पर। और बैड न्यूज़ है, पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच हराया है न्यूजीलैंड से। दूसरा मैच मेरे ख्याल में 3 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ है वार्म अप। और हम यहाँ ब्लॉग को एंड करें, उम्मीद है आप सब दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और मस्त सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। और बहुत सारा अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओका बाय।